जा शाबाश जा। तीन दिन पहले पालक खाई अम्मा, फिर पका ली यार। ए, क्या करूं मैं, तुम्हारे अब्बा को डॉक्टर ने आयरन की कमी का बताया, उनकी वजह से बनाई है ये। अरे अब्बा को तो और भी 100 बीमारियां, सबका बदला बेटे से लोगी क्या? अरे इंजेक्शन लगवाओ उनको यार, हमें सजा मत दो। बेटा जो भी मिले ना अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेना चाहिए। बस नसीहतें सुन लो सबसे। शाहजहां, या अल्लाह खैर क्या हो गया? शाहजहां इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, अब क्या कर दिया इसने? इसने मेरा नाम डुबो दिया, लोग मजाक उड़ाते हैं मेरा के बाप का नाम मोहम्मद शरीफ और बेटा बदमाश। अरे इस बेगैरत ने इतना भी ख्याल नहीं किया कि मेरे नाम की लाज रख ले। मगर आप बताएंगे ना कि हुआ क्या है? जमाल आया था, वो ये शिकायत करके गया इसकी कि उसके भतीजे से मारपीट की है इसने। अरे बस झूठ बोल रहा है यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसे बस दो थप्पड़ मार दिए। आम क्यों नहीं है यार इसमें, दो थप्पड़ मार दिए थे वो भी जरूरत पड़ने पर। सुना तुमने? अरे देख रही हो क्या कह रहे हैं वो? अब झगड़े भी होंगे तो जरूरत के तहत पे होंगे। बेटा शाहजहां आजमाइश मत बनो मेरे लिए, अपना बाप होने की मुझे इतनी सजा क्यों दे रहे हो? मैं तो तंग आ गया हूं तुम्हारी शिकायतें सुन सुन कर। वाह, अरे कहां जा रहा है? एक सेकंड मां, आपको पता होता नहीं है किसी बात का यार। अरे आपने कभी जानने की भी कोशिश की है कि मैं ये सब क्यों करता हूँ? शौक है मुझे मारपीट करने का। अब किसी की भी बातें सुन के आ जाते हैं बाहर से, अपने बेटे को बातें सुनाते हैं आके, यार कैसा बाप है यार ये। अरे खाना तो खा जा, आप भी कमाल करते हैं ना। अरे खाना खा रहा था, थोड़ी देर ठहर जाते, अब भूखा रहेगा वो। भूख लगेगी तो आ जाएगा खाना खाने। अच्छी मूवी थी ना, मैं क्या बताऊं, उसमें जो हीरोइन थी ना बिल्कुल मेरी जैसी लगती है, तुम देखना। लेकिन उसकी एक्टिंग बहुत फारिग थी, अगर मैं उसकी जगह होती ना मैं ऐसी एक्टिंग करके दिखाती कि मूवी का अवार्ड तो पक्का था। और बस मुझे एक चांस मिल जाए ना, मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि एक्टिंग किस चीज को कहते हैं। और तुम्हारे सर से ये एक्टिंग का भूत कब उतरेगा? कभी भी नहीं। शानी तुम जानते हो कि बचपन से मुझे एक्टिंग का शौक है, मेरी दोस्तें जब मेरी वीडियोस देखती हैं ना वो मुझे कहती हैं अरीबा तुम कितनी अच्छी एक्टिंग करती हो। बस तुम्हें पता है कि चांस भी मिल ही जाता मुझे अभी तक, लेकिन अम्मी की पाबंदियों की वजह से ना चाहते हुए भी मैं नहीं कर सकी, वरना मुझ जैसी टैलेंटेड और खुश शक्ल लड़की के ड्रामे और फिल्म वाले ढूंढ रहे होते हैं। मेरी जैसी लड़की की तो ज़रूरत है उन्हें। शानी तुम्हें क्या हुआ है, इतनी देर से इतने सैड होके बैठे हुए हो? क्या हुआ है, अबू के साथ फिर से झगड़ा हुआ है क्या? भाई तुम्हें ना अब इसके आदी हो जाना चाहिए। अच्छा गोलगप्पे नहीं खाने तो बर्गर मंगवा लो। शानी मुझे पता है तुमने आज पूरे दिन घर पे भी नहीं कुछ खाया हो, अगर तुम नहीं खाओगे ना तो मैं भी नहीं कुछ खाऊंगी। क्या क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिसे मेरी फिक्र है। मैंने घर वालों को तो फर्क ही नहीं पड़ता, मैंने खाना खाया है नहीं खाया, मैं क्या कर रहा हूं। मुझे नहीं पता तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ इस तरह क्यों करते हैं। अच्छा छोड़ो ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम्हारी फिक्र करने के लिए। अच्छा खाओ ना। चलो सेल्फी लेते, तुम्हारा मूड अच्छा हो गया। स्माइल।
अम्मा अम्मा। हाँ आ रही हूँ। आ जाओ। अरे एकदम से आवाजें देने शुरू कर देता, क्या बात तुम्हारा है? कमाऊ पूत आया है अम्मा, ये देखो। हुआ क्या? करारे करारे नोट देखो अम्मा। हैं ये किसे? हाँ। ये कहाँ से लेकर आए? मेहनत की कमाई है यार अम्मा। देखो अपने लिए बाजार से लाओ कुछ मन पसंद। शाहजहां ये मारपीट की कमाई अपने पास रखो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैं बाप हूं तुम्हारा, जानता हूं कि तुम क्या करते हो। गुंडागर्दी की कमाई अपने पास रखो। स्टेट एजेंसी में काम करता हूं। हाँ जब कोई बंदा सीधी तरह बात नहीं मानता तो एक दो हाथ लगाने पड़ते हैं उसको, बस बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अब्बा, तब कहीं जाके ये कमीशन हाथ लगता है हमारे। कैसे समझाऊं आप लोगों को, इतना आसान नहीं है जितना नजर आता है। अब एक काम करें, अनम के लिए लॉन का सूट ले लें, काफी दिन से मांग रही थी वो, खुश हो जाएगी। ये पैसे अपने पास रखो, जब कोई ढंग का काम करने लगो तो फिर ये पैसे तुम्हारी माँ इस्तेमाल करेगी। मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। जी। जो बेल पे बेल किए जा रहा है, यकीनन सारे में होगा। रुक जाओ। सिद्दीकी साहब हैं, उनसे कहिए शानी साहब आए। तुम यहां क्या कर रहे हो? रख लो। अनमोल बेटा, कौन है बेटा? सिद्दीकी मेरे दोस्त। तुम चलो बेटा, अनमोल को अंदर लेके जाओ। जाओ जाओ अंदर दोनों सब। इसे सिद्धि की बेटियां प्यारी हैं तुम्हारी, क्यों आए हो तुम यहाँ? चलो बाहर चलो। बात तो बाहर चलो। सिद्धि की बात नहीं सुनते यार तुम। अब क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों यार, आपसे वैसे इस फजूल सवाल की तवक्को नहीं थी मुझे। अरे मुझे लगा था तुम पूछोगे पेमेंट कब कर रहे हो, घर कब खाली करना है, टोकन कब देना है, लेकिन आप पूछ रहे हैं ये सवाल। देखिए मैं आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, हैं? पर आपका वक्त कीमती है भाई साहब। मैं तुम्हें अपना जवाब दे चुका हूँ, क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हो? अरे परेशान तो आप ऐसे हो रहे हैं जैसे मैंने आपसे बेटी का रिश्ता मांग लिया। ये क्या कह दिया मैंने? देखिए अभी सिर्फ घर खाली करना है, अरे बेटी रुख्सत नहीं करनी। अगर रिश्ते की बात करनी है तो मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मुझे घर नहीं बेचना, मेहरबानी करो चले जाओ यहाँ से, मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। अरे सदके जाऊं इसीलिए तो कह रहा हूं कि घर बेच दो, अच्छी कीमत दिलवा दूंगा यार। इलाज मुआवजा बहुत महंगा हो चुका है, वरना घर से भी जाओगे और जान से, समझे? समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना ही एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। आ?